गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे SBI क्लर्क के बारे में, जिसकी तरफ से एक नया वैकेंसी आया है 2020 का। इसमें करीबन 8000 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। ओके, इसमें कोई भी ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता है और इसमें एक बहुत ही बड़ा चेंजेस हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऑल पे सेलेक्ट कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा 3/1/2020 से और इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 26/1/2020 रहेगा। ओके फ्रेंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जाए तो आपका एज लिमिट जो है 20 साल से कम नहीं होना और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना 1/1/2020 को, ठीक है। 20 साल से कम नहीं होना और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना। इसमें एज रिलैक्सेशन रखा गया है SC ST 5 साल, OBC 3 साल। ओके, बाकी का आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें जाए तो सिंपल ग्रेजुएशन होना, कोई इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अगर आप फाइनल ईयर में हो या फाइनल सेमेस्टर में हो फिर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है 1/1/2020 को आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन 1/1/2020 या उससे पहले कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो ही इसको आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें जाए तो आपका प्री और मेंस होगा और एक आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। प्री का जो पैटर्न है वो एकदम सेम है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1/4। तो फिर इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, अगर आप इंग्लिश में 0 भी लाते हो फिर भी इसको आप क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आर प्रेस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसमें मेंस के पैटर्न की बात करें जाए तो आपके पास 4 सेक्शन रहेंगे। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपका 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट का टाइम। इंग्लिश का आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट का टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट का टाइम। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके लिए 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट का टाइम, जो कि टोटल 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और आपको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4 और इसमें भी कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, अगर आप इंग्लिश में 0 भी लाते हो फिर भी इसको आप क्वालिफाई कर पाओगे मेंस को भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड, सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी आपका अप्रॉक्स 31,450 रुपये पर मंथ रहेगा। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़ा चेंजेस हुआ है, वो हुआ है आपका एप्लीकेशन फ़ी में। इसमें SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए इस बार कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, जबकि जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ है। पहले इसमें रहता था फ़ी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, लेकिन इस साल 2020 में इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। 3 तारीख से इसको आप अप्लाई कर पाओगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।